जानलेवा सड़कें, बंक और धूल से आच्छादित सड़कें, प्रतिपल दुर्घटना को आमंत्रण दे रही सड़कें, यह है हमारा गाजीपुर। गाजीपुर के निजामपुर पकड़ी चौराही मार्ग पर हम हैं। यहाँ आप ट्रकों को आते हुए देख सकते हैं। हम जहाँ खड़े हैं, यह भौतिक स्थिति, इसकी भी आप देख सकते हैं किस तरह से जानलेवा सड़कें हैं। इधर ट्रक जान की बाजी लगा करके जा रहे हैं। इधर एक पुलिया है जो टूट गई है पूरी तौर पर। एक एक प्रतिपल यहाँ आधा दर्जन विद्यालयों के बच्चे हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके जाते हैं, कब दुर्घटना हो जाए, कब किसी माँ की कोख सुनी हो जाए, कब किसी बच्चे की अकाल मौत हो जाए, उसका वह विकलांग हो जाए, कहा नहीं जा सकता। मैं इधर इसको और आगे बढ़ करके दिखाना चाहूँगा, अनूप जी से चाहूँगा इसको और आगे बढ़ के दिखाया जाए। अभी एक आंदोलन हुआ है, लोगों ने सड़क में लेट करके एक मार्मिक प्रदर्शन किया है, अपनी जो दुर्दशा है, प्रतिपल जो दंड भोग रहे हैं, सरकारों की निरंकुशता, सरकारों की लापरवाही, सरकारों के करप्शन का। अभी लोगों को आशाएं जगी थी कि साहब योगी जी ने कहा है तो 15 जून तक यह गड्ढे पट जाएंगे। आज 19 मई है, 15 जून अब सर पर है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इधर भी आप देख लीजिए जिस तरह से यह भयंकर गड्ढों में यह सड़कें तब्दील हुई हैं। आज की तारीख में तमाम ट्रकें इधर से आती जाती हैं। जिधर भी आप देखेंगे प्रतिपल दुर्घटना को आमंत्रण देने वाली सड़कें, हो क्या रहा है। सांसद जी यहाँ के श्री मनोज सिन्हा जी हैं, दो दो केंद्रीय मंत्रालय धारण किया है, मोदी जी के बहुत चहेते हैं, तब दो दो मंत्रालय मिले हैं। साहब इनका 27 तारीख को 3 साल पूरा होने पर प्रशस्ति वाच किया जाएगा। एक किताब छप रही है जिसमें चमचागिरी होगी, सिन्हा जी रेल को अगर छोड़ दिया जाए सारे मामलों में आप फेलोर सांसद हो, सारे मामलों में, सड़कों के मामले में, और जो हैंडपंप है वह करा रहे हैं, जहर उगल रहे हैं विद्यालयों में, 3 विद्यालय भी आप ऐसे नहीं दिखा सकते जिनके हैंडपंप ठीक हो, जहां शौचालय उपयुक्त हो, जिनके भवन ठीक हो। आप कहोगे हमें तो 3 साल हुआ है ना, 3 साल कम है क्या। यह सारे मामले जिसे आप देख रहे हैं, एक भी विभाग में करप्शन खत्म नहीं हुआ, चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं, कुत्ते का इंजेक्शन नहीं, सिरिंज तक खत्म हो गया है, यह हो क्या रहा है। आमजन का जो फंडामेंटल राइट है वह प्रतिपल दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। इस सड़क को आज हम ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। सच बताएं दोस्तों, पूरे प्रदेश में अगर कोई रिकॉर्ड इसका किसी के पास होगा तो सबसे अधिक लोकहित की शिकायतें हम सभी ने भेजा है। एक मामले का जवाब यहाँ के सांसद ने नहीं दिया, जिले के सबसे बड़े सदन का सदस्य भी रहा हूँ, एक मेल का अगर जवाब आ जाता, एक ट्विटर का ट्वीट का जवाब आ जाता तो मैं जानता कि चलिए कुछ अच्छा हो रहा है। आज पुनः हम लोग अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहे हैं, आशा है इनके ज्ञान चक्षु खुलेंगे और इन्हें शर्म आएगी। देख लीजिए एक मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हैं, किस दशा में यह मोटरसाइकिल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिपल उधर से भी एक मोटरसाइकिल आ रही है, उसको भी दिखा दीजिए, चाहे जिधर भी जाएंगे किस तरह से बैंक पंक में, धूल में और दुर्घटना को आमंत्रण देते हुए निकल रहे हैं, इसको भी देखा जा सकता है। आज के दिन हम हैं 19 मई 2017 को निजामपुर पकड़ी चौराही मार्ग पर, नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।